वेलकम बैक बच्चों। बच्चों हमने आप लोग वेलकम बैक बच्चों बच्चों हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन ला के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ला देखा था। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ला था कि जब सोल्यूट एसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, या फिर वो किसी हमारे एक सॉल्वेंट के अंदर उसके अंदर रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर जाए, तो उस टाइम पे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ला आता है, जो हमारे पास रिलेशन आता है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ला। और उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एप्लीकेशंस। तो आज हम एप्लीकेशंस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो बच्चे जो एप्लीकेशंस के अंदर जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ और डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन सोलवेंट। कि हम क्या करें, हम सोल्युबिलिटी बता रहे हैं कि सोल्युबिलिटी क्या होगी किसी भी सोल्यूट की। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम इससे बता सकते हैं कैसे, तो हम इसके अंदर ये लिखते हैं बच्चे देखो, व्हेन टू इमिसिबल सोलवेंट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड सोल्यूट इज एडेड इन एक्सेस या इन लार्ज क्वांटिटी so that saturated solutions are formed। क्या किया था बच्चे देखो, इसके अंदर हम लोगों ने ये हमारे पास दो सॉल्वेंट लिए थे ए और बी। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया था। अब सॉल्यूट ऐड करके हमने मिक्स किया तो सॉल्यूट दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, कुछ ए सॉल्वेंट में चला जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम एक्सेस में करेंगे। एक्सेस का मतलब होता है कि सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसके बाद ये डिसॉल्व होना बंद हो जाए, यानी कि उससे ज्यादा हम ऐड कर ही ना सकें किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे। अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलग होगा इसका अलग, क्योंकि इसमें एक मैक्सिमम क्वांटिटी आ सकती है, इसमें अलग आ सकती है, क्योंकि दोनों सॉल्वेंट कैसे हैं, अलग अलग आर फॉर्म, देन हम बोल सकते हैं। अब इसमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा अमाउंट आ ही नहीं सकते, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन यहां पे प्रेजेंट होगी, वही क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज किसी सब्सटेंस में या किसी सॉल्वेंट में ऐड करो वो डिसॉल्व हो जाए, अगर वो डिसॉल्व हो गया इसका मतलब वो सॉल्युबल, उसकी मतलब क्या है, वो सॉल्युबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, देन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट will be equals to solubility। अब क्या बोला था नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, कि यहां पर इसकी C1 थी, यहां पे C2, this equals to K। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो ये सी किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू S1/S2। तो अगर हमारे पास एक की सॉल्युबिलिटी है तो दूसरी की मैं निकाल सकता हूं। अगर हमारे पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट, के को हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट है बच्चे। तो हम यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, इन कैलकुलेशन ऑफ या फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किया था कि जब हम लोगों ने नस डिस्ट्रीब्यूशन ला निकाला था, मॉडिफाइड नस डिस्ट्रीब्यूशन ला, तो बता सकता था कितना है उसमें एसोसिएशन के केस में भी निकाला था और डिसोसिएशन। तो अब इसके एप्लीकेशन में बता सकते हैं कितना एसोसिएट हुआ है और उसमें कितना डिसोसिएट हुआ है। देखो फिर हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, मॉडिफाइड नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज क्या था, अगर हमारे पास एक में अगर वो डिसोसिएट होता था और एक में नहीं होता, तो क्या लिखते हैं, C1/C2
या 1 माइनस अल्फा सी टू दिस इज इक्वल्स टू के, ये ऐसा था। अगर बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट के, और हमें पता है कि C1 और C2 हमें कंसंट्रेशन तो नो नहीं क्योंकि जो हमने सॉल्वेंट लिया, अब हम C1 C2 भी मालूम है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के एंड C1 एंड C2, C1 एंड C2, वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो ये था अल्फा, क्या था डिग्री ऑफ यहां पर डिसोसिएशन था बच्चे हमारे पास, ये डिसोसिएट हो जाता था तो ये ऐसा होता हमारे पास। फिर क्या हमारे पास इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन इसी के अंदर बी पॉइंट लिख सकता था, इन केस ऑफ एसोसिएशन नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला कितना था मेरे पास, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या मॉडिफाइड, नस्ट लगाओ तो लगाओ या मत लगाओ, हमें क्या लिख सकते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ला इज या वाज इज क्या था C1 अपॉन एंड अंडर रूट C2, और यहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू के था बच्चे, इस तरीके से था हमारे पास। अगर हमने माना इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 कि 100% हो जाए हमारे पास, तो अल्फा 1 हो गया तो मेरे पास क्या लिख सकता हूं, या और इसको मैं अल्फा हटा के क्या लिख सकता हूं, C1 अपॉन एंड अंडर रूट C2 इक्वल्स टू के। अब मेरे पास बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ के C1 एंड C2 हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू। एन क्या बता रहा था, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे थे, लाइक एन एक्स ये बता रहा था कि एक्शन कितने हो रहे मेरे पास, दो मॉलिक्यूल से एक बन रहा है, डाइमर बन रहा है, टाइमर बन रहा है, टेट्रामर बन रहा है, कितना बन रहा है, तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, और ये एन की वैल्यू बाय हिट एंड ट्रायल निकालते हैं हम लोग। कैसे, हम क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन होगा, पहले सोलवेंट ए में और सोलवेंट बी में, हम के की वैल्यू निकालेंगे वहां से, सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू, एन को इमेजिन करके एक बार एन की वैल्यू, एंड वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन। कैसे, क्या बोला, क्या मीनिंग है बच्चे देखो, क्योंकि जो के है अगर मेरा सॉल्वेंट ए और बी था तो के की वैल्यू तो फिक्स ही है कि इसमें वो अलग अलग नहीं हो सकती एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। अब हम लोगों ने एन निकालना है कि इसमें डाइमर बन रहा है, ट्राइमर, दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, पांच हो रहे हैं, कितने होते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि आपको सी वन सी टू आपको अलग अलग मिलता है, अलग अलग कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या आएगा, आप अलग सी वन मिलेगी एक सी टू वैल्यू, आप उसकी वैल्यू पुटअप करोगे, एन की वैल्यू पुटअप करोगे कुछ भी, फिर आपको यहां से जब ये वैल्यू पुटअप करोगे आपको एक पर्टिकुलर के मिलेगा, फिर आप सेकंड किसी अननोन और सेकंड कंसंट्रेशन पे C1 C2 पुट अप करोगे, n की वैल्यू पुट अप करो, फिर k की वैल्यू। तो हम ऐसा केस देखेंगे जिसमें हम n की वैल्यू आइदर सभी में 1-1 रखें, 2-2 रखें, 3-3, आपको सेम k की वैल्यू मिले, सेम वैल्यू मिले k की, इसका मतलब वो हमारा n की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। हमें सभी केसेस में कि जो k की वैल्यू वो सेम मिलनी चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पर्टिकुलर सॉल्वेंट और पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है कि हम एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो थी हमारे पास इन द डिटरमिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कि हम दो चीजें निकाल सकते हैं। अच्छे देखो, जब हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो क्या हो गया, देखो हम साल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, साल्ट प्लस उसमें अगर हम वाटर में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस तरीके से एसिड प्लस बेस। देखो अगर मैंने लिखा ए बी प्लस वाटर दिस इज द साल्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ओ एच, तो ये क्या बन गया एसिड, ये क्या बन गया बेस, और यहां पर यह क्या था साल्ट और ये क्या था वाटर, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जब साल्ट को हम वाटर में पुटअप करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी एंड वी नो एंड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम वी नो क्या कर सकते हैं कि यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखा तो के क्या होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो क्या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट हम यही बोलते हैं के की वैल्यू को। अगर हम वैल्यू पुट अप करें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल्स टू क्या प्रोडक्ट क्या एच ए की कंसंट्रेशन बी ओ एच की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई साल्ट की कंसंट्रेशन और यहां पर क्या है वाटर। ये जो वाटर है ये तो एक्सेस में ले रखा है क्योंकि साल्ट हम डिजोल्व कम लेते हैं, जो वाटर है ये तो हमारा सोलवेंट था ना, ये तो क्या होता है एक्सेस में, तो इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में, तो मैं क्या कर सकता हूं ये कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज नियरली कॉन्स्टेंट। क्योंकि अगर ये 50 लीटर और आपने उसमें 1 मिलीग्राम साल्ट डाल दिया तो 1 मिलीग्राम से उसके ऊपर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल अब मैं लिख सकता हूँ K इंटू वाटर, क्योंकि ये भी किसकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगी, दिस की इक्वल्स टू एच ए इंटू बी ओ एच डिवाइडेड बाई ए बी। तो ओवरऑल इसको अब हम लिख देखते हैं के एच से, कि इसको मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया जिसको मैं बोल देता हूँ हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, दिस इज हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। ये कुछ अलग नहीं था बच्चे, जब हम किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर देते उसकी कंसंट्रेशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर के एच इज इक्वल्स टू क्या, दिस इज इक्वल्स टू ये जो एच ए था ये फ्री एसिड था, दिस इज फ्री एसिड जो फ्री मिला है यहां पर, इंटू में क्या था फ्री बेस, ये फ्री था, फ्री का मतलब क्या था यहां पर फ्रीली मूव कर रहा था, डिवाइडेड बाई अनहाइड्रोलाइज्ड अनहाइड्रोलाइज्ड साल्ट। तो यहां से हमारे पास अगर हमें कंसंट्रेशन मिल जाए इस एसिड की बेस की, और जहां से जो साल्ट बचा हुआ है जो टूटा नहीं है जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है एसिड और बेस में, तो हम क्या निकाल सकते हैं केएच। और यहां पे हम बोलते हैं ये तो क्या था ये हाइड्रोलिसिस, अब यहां पे तो क्या था हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। अब मैं बोलूं इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की कितना टूटा है यहां पे, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एच की वैल्यू क्या बोलते हैं टोटल साल्ट टेकन, कि हमने टोटल कितना साल्ट लिया था, टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट टेकन, कि हमने टोटल या मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हमने कितना साल्ट लिया था, डिवाइड करते किसके रिस्पेक्ट में हम इसको करेंगे इससे हम डिवाइड करें किसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रो, कितना परसेंट टूट गया, अगर 10 टूटा 10 बाई अगर जो 100 लिया तो कितना 0.10%, तो इसी से हमें पता चलिया कितना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हुआ। तो ये एप्लीकेशन है हमारे पास बच्चे यहाँ से, कि हम इसका हाइड्रोलिसिस ये यहाँ से कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को उसकी कंसंट्रेशन चाहिए केवल फ्री एसिड फ्री बेस और इनिशियल साल्ट की, और उसके बाद इनिशियल साल्ट जब टूट जाएगा तो हमें उसकी किसकी चाहिए अनहाइड्रोलाइज साल्ट की। अगर ये तीनों चीजें हमें पता चल जाए तो हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं के एच। इन द डिटरमिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बच्चे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है कि हम क्या करें, हम स्टडी कर रहे हैं या डिटरमिनेशन कर रहे हैं या इन द स्टडी ऑफ, या हम बोल सकते हैं डिटरमिनेशन इन द स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। देखो इसको समझते हैं बच्चे क्या मीनिंग है। यहां पर हम इनिशियली लेके चलते हैं इस तरीके से, आप लोगों ने एक CH2 लिया, कार्बन डाइसल्फाइड ये सोलवेंट लिया था एक, ऊपर हम लोगों ने लिया वाटर, नॉर्मल वाटर, ये इमिसिबल सोलवेंट थे। अब इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया I2, जब हम I2 डालेंगे तो कुछ I2 ऊपर चला जाएगा, कुछ I2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो अब हम यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये I2 कोई रिएक्शन नहीं गया, यहां पे भी I2 की सेम मोलिकुलर स्टेट थी, यहां पे भी I2 की कैसी थी सेम मोलिकुलर स्टेट थी। अगर ऐसा होता तो मैं यहां से मैं रिएक्शन लिख सकता हूं क्या, कि द कंसंट्रेशन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में अप्लाई करता है इस केस पे, क्योंकि अभी इसका हम यूज करने वाले हैं बच्चे, ये नहीं ये तो समझने के लिए अभी लिखा था, तो इसका हम क्या लिखें, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री I2 इन वाटर डिवाइडेड बाय
कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन सी एस टू दिस इज इक्वल्स टू के। ये क्या था, अगर मैं बोलता कि द के इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट फॉर आयोडीन इन केस ऑफ टू इमिसिबल सोलवेंट वाटर एंड सी एस टू, ऐसा लिखो या ऐसे लिखो, क्या है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन वाटर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन सी एस टू दिस इज इक्वल्स टू के, क्योंकि अगर हम डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें डिजोल्व हो जाएगा, या आपने पहले ही कोई एक अमाउंट ऑफ आई टू की इसमें सी एस टू में डिजोल्व करते, या दूसरा ऑप्शन क्या ले सकते थे बच्चे देखो, कि आपने आई टू लिया, आपने एक सी एस टू सोल्यूशन लिया, सी एस टू लिया, उसमें आई टू डिजोल्व कर दिया, आई टू डाल दिया, फिर आपने क्या किया, अब आपने बाहर से आई टू नहीं डाला, अब आपने उसी के साथ वाटर उसी में मिक्स कर दिया और डिजोल्व किया, तो इसमें से कुछ आई टू सी एस टू वाले में से किस में मूव कर जाएगा, वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कि इसकी जो रेशियो दोनों में फिक्स होनी चाहिए, जब कॉन्टैक्ट आ गया तो पहले सारा का सारा सी एस टू में था, लेकिन अब उसमें से कुछ मूव किसके में जा रहा है, वाटर में, तो जो रेशियो होना चाहिए था वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो सेम ही रहेगा। अगर आप इनको पहले इकट्ठा कॉन्टैक्ट में ला के ऐड करते तो रेशियो यहां पर वन होता, यहां पर टू होता, तो ये 1:2 होता, लेकिन अगर आपने पहले एक में डिजोल्व कर दिया और उसको दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में लाके फिर सेक कर दिया, तो यहां पर भी जो रेशियो आएगा ओवरऑल 1:2 का ही आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो डिफरेंस नहीं करता कि आप उसको बाद में ऐड कर रहे हो या आपने पहले ऐड कर दिया और दोनों को कॉन्टेक्ट में ला दिया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, कि द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन वाटर इक्वल्स टू के एंड द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन सी एस टू, ये आ गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर वेयर के इज हेयर, K is distribution coefficient of I2 between two solvents, immiscible solvent ही है, कौन कौन से, water and CS2। ये इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, इसका यूज करने वाले बच्चे। अब देखो अब क्या किया सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोगों ने, कि यहां पर ये हमारा CS2 था, अब जो ये वाटर था बच्चे, यहां पर ये वाटर था, पहले प्योर वाटर था, उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया KI, क्या कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया। जब हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज KI सॉल्यूशन। इसको हमने, अब इसको मैं क्या नाम दे दूंगा यहां पर, दिस इज KI सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, कि पहले प्योर वाटर और सी एस टू का रेशियो देख रहा था, तो मेरे पास वाटर के अंदर ही सी एस टू जाना था, जैसे भी एक्सप्लेन किया था, कुछ इसमें होना था कुछ इसमें। अब हमने कुछ नहीं किया कि इस वाटर के अंदर, क्योंकि जो ये के आई था बच्चे, ये सी एस टू में डिजोल्व नहीं हो सकता, तो अगर हमने एक थोड़ी सी अमाउंट ली इस बार, जो हमने वाटर डाला यहां पर, उसमें पहले थोड़ा सा के आई नोन अमाउंट फिक्स कर दिया, यानी कि एक लीटर में एक ग्राम डाल दिया, तो हमें पता है उसकी कितनी अमाउंट है, वो नोन कंसंट्रेशन होगी, एक लीटर में हमने एक ही ग्राम डाला, इसको हम के आई सोल्यूशन लिख सकते हैं इस बार, या हम इसको एक्वस सोल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ KI, तो बुक में एक्वेस सॉल्यूशन से भी काम लिख देगा, या KI सॉल्यूशन, या अब इसमें KI और क्या है, वाटर था, पहले वाटर था, ये इसलिए लिया था क्योंकि K की वैल्यू फिक्स ही रहेगी, क्योंकि I2 यहां पर इस KI की वजह से डिजोल्व नहीं हो रहा था, I2 हो रहा था वाटर के अंदर और CH2 के अंदर, क्योंकि वो दोनों में डिजोल्व हो सकता था। अब हुआ क्या बच्चे देखो, इधर ध्यान से देखने की बात है, कि यहां पर मेरे पास क्या था, I2 था, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है मेरे पास, KI, अगर KI डाल दिया तो अब ये क्या है, ये I2 इस I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके, KI के साथ रिएक्शन करके एक बना लेता है KI3, लेकिन ये I2 कौन सा है, जो CH2 के अंदर से आया था, ये जब हमने I2 डिजोल्व किया तो कुछ इस एक्वस में चला गया था या कुछ CH2 में आ गया था, तो जो इसमें प्रेजेंट था उसके अंदर से कुछ पार्ट, सारा का सारा नहीं, अगर ये 100 मॉलिक्यूल थे, 2, 5, 7, 10 कितने भी, जो हम एक पर्टिकुलर हमने एक थर्ड केस किया था मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, जिसमें हमने बोला था कि एक जो हमारा सोल्यूट होगा वो क्या करेगा, रिएक्शंस में चला जाएगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एक सोलवेंट के साथ, तो अब यहाँ पे ये KI सोल्यूशन था, तो सोल्यूशन का मतलब था वाटर और KI था, तो जो वाटर में KI है उसके साथ ये I2 रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, KI3, तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता था लाइक I2 प्लस KI का क्या होता है, K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ये बना लेता है I3 नेगेटिव, अगर मैं K लगाऊंगा तो ये K आगे आ जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आ गया बच्चे। तो अब हमने इसको नाम ही दिख लिया था, कोई नहीं, ये क्या था, KI सॉल्यूशन ओब्लिक एक्वेस सॉल्यूशन हम बोल सकते थे।
आप लोगों को इसमें करना क्या है? देखो हमें फाइनली ड्राइव क्या करना है, अगर मैं इसको एक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गई और मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देता हूं के डैश, तो आपको फाइनली जो हमें निकालना है, हमें के डैश की वैल्यू निकालनी है, वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये वो रिएक्टेंट है जो लेफ्ट हो चुके हैं, जो कि अनरिएक्टेड है, ये दोनों के दोनों कैसे अनरिएक्टेड। देखो बच्चे हम नॉर्मल क्या लिखते थे, ए प्लस बी अगर कोई रिएक्शन होती थी सी, तो ए प्लस बी से हमारे पास ए बी बना था, तो जब हम लिखेंगे तो ये तो कुछ सारा का सारा नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन इसका मतलब कुछ अमाउंट ए का भी प्रेजेंट होगा, कुछ बी का भी और कुछ ए बी भी बनेगा। तो जब हम लिखते हैं तो कितना ए बी बना है उसकी कंसंट्रेशन और कितना ए बी बचा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन, तो ये अनरिएक्टेड की कंसंट्रेशन हमें चाहिए, क्योंकि हमने बोला क्या, इन द स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, अरे कॉम्प्लेक्स आयन ही तो बन गया ये आई टू प्लस आई नेगेटिव इक्वल्स टू आई थ्री नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, तो इसका मेरे को के डैश की वैल्यू निकालनी, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू निकलेगी जब मैं इस इक्वेशन के अंदर मैं के आई थ्री की वैल्यू पुटअप कर दूं, कितना बना है, कितनी वैल्यू होगी, आई टू कितना लेफ्ट बचा हुआ, कितना बचा हुआ है यहां पर KI, कितना बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसी के अंदर अब हम देखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले तीन पॉइंट बना लेते हैं। देखो पॉइंट बनाने से पहले इसको समझते हैं, पहले इसकी एक वैल्यू मान लेंगे, फर्स्ट एक पॉइंट लिखते हैं, हम बोलेंगे ए नोन अमाउंट ऑफ क्या था, CH2 था, यहां पे क्या था मेरे पास I2 सॉल्यूशन या वाटर था, तो फर्स्ट हमने लिखा क्या, यहां पे दो पॉइंट बना दें, ए सॉल्यूशन ऑफ I2 in CH2 of non concentration is shaken with water, ये जो हमने पहले बोला था is shaken with water to determine the distribution coefficient k कि हम लोगों ने पहले K को निकालने के लिए एक CH2 सॉल्यूशन लिया था, उसमें I2 डाल दिया था, हमें पता है कितना I2 है कि एक लीटर CH2 में हमने 5 ग्राम I2 डिजोल्व कर दिया, या 5 ml अगर वैसे लेते हैं, और फिर इसको क्या किया, अब हम वाटर डालेंगे एक लीटर, उसको शेक करेंगे, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे मेरे को पता चले, अब कैसे अभी पता चलेगा कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं चीज, तो यहाँ से हमें केवल वाटर और CH2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जिसकी रेशियो आएगी वो तो फिक्स ही आएगी, एक पर्टिकुलर रेशियो रहेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो यहां से के पता चलेगा। सेकंड हमने क्या किया, ए सॉल्यूशन ऑफ आई टू इन सी एस टू नॉन कंसंट्रेशन इज शेकन विद के आई सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। क्या किया बच्चे, देखो अब ये तो पहला ऐसा प्योर वाटर के साथ हमने के निकाला, सेकंड में हमने क्या किया, CH2 के अंदर कुछ I2 था हमें पता था कितना, फिर हमने जो वाटर लिया था उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ KI डाल दिया, अब हमें अमाउंट तो पता है ना मैंने कितना KI डाले कितने वॉल्यूम में, तो ये भी नॉन कंसंट्रेशन का हो गया, KI सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, यहां से पहले जैसे I2 CH2 से वाटर में जा रहा था, अब I2 कहां से जाएगा, CH2 से अब KI सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि वहां पे वाटर और वाटर में तो I2 डिसॉल्व होता है, बेशक से वो KI सॉल्यूशन ही क्यों ना बन गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा है, इसमें तो केवल थोड़ा सा KI तो ऐड किया हुआ, तो यहां से फिर I2 किस में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अब क्या लिख सकते हैं सी पॉइंट में, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ I2 बिटवीन CH2 and KI solution या aqueous solution कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि कुछ I2 CH2 से किस में चलेगा KI solution में चला गया। अब द कंसंट्रेशन, अब यहां पे कुछ कंसंट्रेशन बचेगी हमारे पास, फिर हम क्या लिख सकते हैं द लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन CH2 layer is determined by titrating against a hypo solution of non concentration, ये non होता है हमारे पास non concentration, कि कितना बचा हुआ है,
कितना न्यूट्रलाइज करेगा, अगर कोई एक एसिड होता है तो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसको मेरे को उतनी ही स्ट्रेंथ का बेस या वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया कि पहले हमें आई टू पता था, नॉन कंसेंट्रेशन थी इसमें आई टू की, लेकिन जब के आई के साथ उसको मिक्स किया तो कुछ आई टू चला गया, हमें नहीं पता कितना चला गया। अगर कुछ जाने के बाद इसमें कुछ बचा होगा उसको हमने कैसे पता किया, जो बचा हुआ है इस सीएस टू वाले को हमने सेपरेट कर लिया इस एक्वस सॉल्यूशन से, और उसको हमने जब हम टाइट्रेट किया हाइपो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो हमें वो बता देगा कितना आयोडीन प्रेजेंट। तो ये तीन पॉइंट किए थे, पहला वाटर के साथ के निकाला, सेकंड हमने के आई सोल्यूशन लिया उसके साथ मिक्स किया तो ये चला गया, और उसमें कितना आयोडीन यहाँ पे बचा हुआ है वो हमने कैसे निकाला, बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट हाइपो सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चे, देखो हम ये पॉइंट लिखते हैं, अब उसको रब कर देंगे यहां से, और अब इसको समझते हैं क्या इसके अंदर, तो हमें ये वैल्यू पुटअप करनी थी, इसको यहीं पे ऐसे कैसा लिख देते हैं कि आई की वैल्यू, हमें वैल्यू पुटअप करनी। देखो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन थी, देखो आई टू प्लस के आई इक्वल्स टू के आई थ्री, अगर हमने बोला कि लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आई टू इन सी एस टू, अगर मैं बोला कि लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, साइड में लिख देते हैं यहां पर, साइड में लिखते रहेंगे, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आई टू इन सी एस टू लेयर इज इक्वल्स टू ए मोल पर लीटर, कि ए मोल था क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी ना, ऊपर वाले में नीचे सी एस टू था, ऊपर ये एक्वस सॉल्यूशन था, के आई सॉल्यूशन था, ये रिएक्शन इसमें ऊपर वाले में हो रही थी ए मोल। अब हमने बोला लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ के आई सोल्यूशन, जो के आई सोल्यूशन हमने लिया था इसकी भी तो नोन अमाउंट फिक्स की ऐड की थी, हमने क्या बोल दिया बी मोल पर लीटर। अब क्या बोल दिया, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ आई टू लेफ्ट इन सी एस टू लेयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना, सी मोल पर लीटर। देखो बच्चे क्या बोला था कि मेरे पास पहले, इसको थोड़ा बड़ा करके दिख देते हैं, इस तरीके से था कि ये ऐसा था, ये सी एस टू था, यहाँ पे ये के आई सोल्यूशन था। अब हमने बोला कि यहाँ पे जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है इनिशियली कितनी थी, ए मोल, यहाँ पर कितना था, ए मोल था, ए के आई सोल्यूशन की खुद की कंसंट्रेशन भी है, वो तो हमने मान लिया खुद की कंसंट्रेशन क्या थी भी। अब क्या हुआ, जब हमने के आई को सेक किया तो इसके अंदर से जो बचा हुआ है वो कितना बच गया, सी, पहले ए इनिशियल था, ए अमाउंट इनिशियल था, बचा कितना यहां पे क्या हो गया, सी, ये सी लेफ्ट रह गया, ये इनिशियल प्रेजेंट था, तो कितना चला गया ऊपर आयोडीन, कितना चला गया यहां पर आयोडीन, कितना चला गया ए माइनस सी, क्योंकि पहले ए था बचा हुआ है सी, तो कहां चला गया बाकी जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, अमाउंट ऑफ, देयर फोर अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन क्या, प्रेजेंट इन के आई सोल्यूशन और एक्वस सोल्यूशन, के आई सोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या, ए माइनस सी मोल पर लीटर। बच्चे यही चीज ध्यान देने की है, तो यहां पर जो टोटल आयोडीन गया यहां से, इसमें जो टोटल आयोडीन आया वो क्या था, ए माइनस सी था यहां पर। तो मैं बोल सकता हूं कि अब यहां पर ये के आई सोल्यूशन की रिएक्शन है, ये किसके अंदर है, के आई सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रही थी, तो यहां पर आयोडीन की कंसंट्रेशन में इनिशियल अगर हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये कितना था, ए माइनस सी मोल था। इनिशियल केआई का कितना था वो हमने लिख दिया बी मोल था, तो ये बी मोल था इनिशियल, और इनिशियल ये कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये ए था लेफ्ट हो गया, सी हमने हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करने के बाद निकाला, ऊपर क्या चला गया इतना, तो ये जो प्रेजेंट है, अब टोटल आयोडीन था, ये इनिशियल था, टोटल इनिशियल का मतलब है कि उसमें से जब कुछ भी रिएक्ट ना हुआ हो, अगर ये कुछ रिएक्ट हो गया तो कुछ बचेगा ना, हमें बचे वाली की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां पे लेफ्ट वाली है, क्योंकि ये कौन से थे, अनरिएक्टेड, तो अब यहां पर जो आयोडीन प्रेजेंट है ये कौन सा था, फ्री प्लस रिएक्टेड, क्योंकि टोटल तो इतना ही गया है हमारे पास ए माइनस सी, इसी में से कुछ रिएक्ट हो गया और कुछ
लेफ्ट आउट हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चे एक चीज से, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन, किसमें वाटर था, वो मैं वाटर की जगह मैं लिख सकता हूं वो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो आयोडीन के आई का कोई रोल ही नहीं है, वो वाटर की वजह से ऊपर गया है, दिस इज इक्वल्स टू के, और नीचे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन, किसमें, सी एस टू लेयर, एक्वस सॉल्यूशन और लेयर। तो यहां पर हमें सी एस टू लेयर में क्या था, जो टोटल थी हमारे पास सी एस टू लेयर में कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन सी एस टू लेयर, वो कितना है मेरे पास, कितना बच गया बच्चे, अब यहाँ पे देखो पहले ए था, कुछ जाने के बाद इसमें कितना बचा हुआ है, सी बचा हुआ, क्योंकि ऊपर तो जा चुका है तो लेफ्ट अमाउंट है, तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन एक्वस, इन एक्वस सोल्यूशन और के आई सोल्यूशन इक्वल्स टू के इंटू सी, क्योंकि इसकी वैल्यू सी है, ये बचा हुआ है, बाकी तो जा चुका है, तो यही तो बचा है फ्री, अगर वाटर नहीं होता तो ए लिखता, ये ए, ए का ए लिखता, जब वाटर या एक्वस सोल्यूशन ले लिया तो कुछ मूव कर गया, तो हमने क्या बचा, के इंटू सी, ये आ गया। अब हमें पता चल गया कि फ्री आई टू एक्वस सॉल्यूशन में कितना था, देखो फ्री आई टू, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या था, फ्री प्लस रिएक्टेड की टोटल इतना आ गया था मेरे पास इनिशियली, नीचे वाले लेयर से, देखो नीचे वाले लेयर से टोटल इतना गया, इसके अंदर बचा कितना हुआ है, फ्री कितना है, फ्री का मतलब ये वाला फ्री, जो ये फ्री बचा हुआ है, ये जो रिएक्ट नहीं किया, तो इसमें जो फ्री बचा हुआ है, जो फ्री आयो गया है, कितना गया, केसी, तो अब यहां से लिख सकता हूं केसी, अब रिएक्ट कितना किया होगा, तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ आई टू रिएक्टेड विद के आई, रिएक्टेड विद के आई, कितना रिएक्ट किया हुआ, तो इसका इनिशियल माइनस लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ आई टू इन, क्या बोल सकता हूं, एक्वस सॉल्यूशन, अरे यही तो बोलेंगे हम लोग कि इनिशियल कितना गया था, ए माइनस सी गया था, और कितना उसमें फ्री बचा हुआ है, अभी भी केसी फ्री बचा हुआ है, तो माइनस केसी, इसको मैं बोल सकता हूं डी मोल पर लीटर। तो यहां से देखो एक चीज हमें पता चली, ये अनरिएक्टेड था, तो अनरिएक्टेड में हमें के आई की वैल्यू चाहिए थी, तो के आई की तो वैल्यू मिल गई, अनरिएक्टेड का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आई टू यानी कि अनरिएक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, केसी, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू केसी, इसकी वैल्यू आ गई केसी, हमें एक तो पता चल गया जितना अनरिएक्टेड है। अब हमें क्या चाहिए, के आई, अरे इनिशियल के आई कितना था, बी मोल, इसमें से कुछ रिएक्ट हो गया तभी तो ये के आई थ्री बना, तो कुछ बचा होगा, इनिशियल बी था, तो अब ये ए माइनस सी था, तो अब यहां से लेफ्ट कितना था, यहां पे जो फ्री है मेरे पास, मैं बोल सकता हूं यहां से मेरे पास फ्री कितना बचा था बच्चे, ये ए माइनस सी था, और ये यहां से मैं बोल सकता था फ्री आई टू, यहां पर कितना बचा हुआ है, फ्री आई टू केसी, तो रिएक्टेड मैंने यहां से कितना बोल दिया, रिएक्टेड का मतलब क्या हो गया, ए माइनस सी माइनस केसी, इसको मैंने बोल दिया इक्वल्स टू डी मोल। अब एक चीज ध्यान देने की है कि अगर इसका डी मोल रिएक्ट करेगा कितना डी, तो इसका भी तो डी करेगा और ये डी ही बनेगा, अगर एक मोल रिएक्ट कर रहा है इसका भी एक मोल, तो एक ही मोल बन रहा है, ये दो मोल रिएक्ट करें तो ये दो मोल ही रिएक्ट करेंगे और ये दो मोल ही बनेंगे, ऑलवेज ऐसा ही बनेगा, तो मैं बोल सकता हूं यहां से नाउ क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू रिएक्टेड, कितना आई टू रिएक्ट करेगा या कंबाइंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, के आई रिएक्टेड उतना ही रिएक्ट होगा, और दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई थ्री फॉर्म, बच्चे मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना, इसका मतलब अब हमें पता है कि रिएक्टेड कितना किया इसने, नंबर ऑफ मोल्स ने कितना किया, डी मोल पर लीटर, तो ये भी कितना करेगा, डी मोल पर लीटर, तो ये कितना बनेगा, डी मोल पर लीटर, तो अब हमें क्या चाहिए था, के आई थ्री, अरे के आई थ्री कितना बच गया, अरे कितना बने है, कंसर्न नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई थ्री फॉर्म डी, तो यहां से हमें पता चला कि इसका डी रिएक्ट कर चुका है, क्योंकि ये फ्री इतना बचा, इनिशियल इतना गया था, तो ये डी, इसका मतलब यहां से हमें इस के आई थ्री की वैल्यू भी पता चल गई, और ये कितना आ गया, डी मोल पर लीटर, डी मोल
पर लीटर। अब हमें क्या चाहिए, के आई। देखो के आई की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, बी। इसमें से रिएक्ट कितना करेगा, डी। तो बचा कितना हुआ, वो तो फ्री बच गया। देयरफॉर नाउ नंबर ऑफ, या क्या बोल सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री के आई इक्वल्स टू टोटल मोल्स या टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ के आई, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ के आई सोल्यूशन माइनस, या के आई रिएक्टेड माइनस के आई रिएक्टेड। ओ भाई क्या हो गया, इनिशियल कितनी थी, बी। के आई कितना रिएक्ट किया है, या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई सोल्यूशन माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई रिएक्टेड, कुछ भी लिख दो दोनों के अंदर से। तो ये क्या था, बी, और ये क्या था, डी। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू होगी, बी माइनस डी। तो यहां से जब के आई की वैल्यू है जो अनरिएक्टेड है वो कितना है, बी माइनस डी। ये बच्चे हमारे पास है। तो अब ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, नाओ हमें सारी चीजें पता चलेगी, कितना के आई थ्री बना है वो कितना बना होगा, जितना आई टू रिएक्ट करेगा, या कितना के आई थ्री, हमें पता चल गया आई टू डी मोल रिएक्ट किया है, ए माइनस सी माइनस के सी, तो ये डी ही बनेगा। अब कितना आई टू लेफ्ट हो गया, अरे फ्री आई टू, ये फ्री अमाउंट में कितना प्रेजेंट है, के सी, ये हमने इस इक्वेशन से निकाला था। अब क्या हुआ, के आई कितना कितना बचेगा, तो इनिशियल बी था, और कितना रिएक्ट करेगा वो हमने देख लिया कि आई टू ने डी मोल रिएक्ट किया है, तो ये भी क्या करेगा, डी रिएक्ट कर चुका होगा, तो बचेगा कितना, बी माइनस डी। तो हम निकाल सकते हैं, नाउ बाय नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ द वैल्यू ऑफ, बाय अप्लाइंग ऐसे लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ये वाली आई टू प्लस के आई इक्वल्स टू के आई थ्री, के डैश इज इक्वल्स टू, के डैश रिप्रेजेंट कर दिया के आई थ्री डिवाइडेड बाई आई टू अपॉन के आई, ये लिख देंगे रिएक्टेड, ये लिखेंगे अनरिएक्टेड, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज वी गेट क्या, के डैश इक्वल्स टू डी अपॉन के सी इंटू बी माइनस डी, ये आ गया। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, या केमिकल रिएक्शन का जिसके अंदर हमारे पास क्या बने, जिसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। तो दिखने में तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम सिंपल सी टर्म में देखेंगे तो ये चार ही लाइन में, ये तो हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सब कुछ, हमें ये वैल्यू निकालनी थी। तो ओवरऑल ए लिया, सी बच गया, ए था सी, तो कितना चला गया, ए माइनस सी, तो ये ए माइनस सी टोटल था। अब कितना फ्री बचेगा यहां से, वो हमने इस इक्वेशन से निकाला, के सी फ्री है, तो रिएक्ट कितना हो गया, डी मोल रिएक्ट हो जाएगा, इसको डी के इक्वल रख दिया, तो डी की के आई थ्री कितना बना है, डी, तो ये तो डी आई गया, के आई थ्री डी। अब जब ये डी रिएक्ट करेगा तो डी के आई के साथ ही रिएक्ट करेगा, और के आई की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, बी, तो ये कितना बच गया, बी माइनस डी, तो ये भी बी माइनस डी आ गया, और आई टू की तो हमें पता ही चल गया, आई टू की फ्री कितनी है, के सी, इससे तो तीनों के तीनों को पुट अप कर दे, डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया। तो ये थी हमारे पास थर्ड हमारे पास थी फोर्थ एप्लीकेशन थी यहाँ पर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास।